मतलब जैसे अपना जो डायरेक्टर है, ही इज माय वन ऑफ माय फ्रेंड, फिल्म के जो डायरेक्टर हैं द डेस्टिनी कालचक्र के, आकाश सिंह, उन्होंने सडनली मुझे फ़ोन किया करके बोला जो एक आइटम सॉन्ग, एक्चुअली ये बायोपिक बन रही थी, यहाँ पे कोई आइटम सॉन्ग का कोई सवाल ही नहीं था, अपना जो पहले प्लॉटिंग जो था वहाँ पे आइटम सॉन्ग था ही नहीं, तो उन्होंने बोला जो इतना बड़ा एक टेंडर मिल रहा है तो कुछ एक धमाका हो जाए तो यहाँ पे एक आइटम सॉन्ग डालना है, तो उसने मुझे कुछ ऐसा गाने के बारे में बोला जो उस तरह का आइटम सॉन्ग उसको चाहिए, जो लाइक लॉलीपॉप या मिर्च उस तरह का मतलब उनको गाना चाहिए। तो मैं बोला यार ये जो फिल्म है इस पर इस तरह का तो गाना नहीं चल सकता, तो मैं एक अपने तरफ से बना रहा हूँ, मैं बना के अभी भेज रहा हूँ तुमको, तुम सुन लेना, तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ थोड़ा बाद में करना। बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, अभी का अभी मुझे चाहिए। तो मैं बोला अच्छा ठीक है चल, मैं गाड़ी को साइड किया करके वहीं पर मैंने मतलब व्हाट्सएप पे मतलब गाना को रेडी करके, मतलब नॉट रेडी एग्जैक्टली तो रफ होता है, म्यूजिक भी मुँह से बजा के सब कुछ करके उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया। वो बोला हाँ ये एकदम एकदम सही है, उसको चेंज नहीं करना है, जो है वैसे ही रहेगा। तो फिर मैंने फिर उसके ऊपर काम किया करके फिर उसको रेडी किया, बट मेरे पे जो मैं फील कर रहा था मेरे पे एक माइनस पॉइंट भी आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत पुराने म्यूजिशियन हूँ मुझे लगता है, तो कहीं पे मुझे लगता है फ्लेवर जो है सारे वही पुराने तरीका से हो जाता है। मैं अगर किसी को गंवाने जाता हूँ ना तो उसका स्टाइल भी शायद मैं अगर बोलूँ उसको गाने के लिए तो शायद कहीं पर लगता है कि वो ओल्ड सॉन्ग जैसा हो रहा है। तो इसलिए मैंने इनको बोला, इनके इनका गाना मैंने सुना, मतलब जितना भी आगे इन्होंने हिट सॉन्ग दे चुके हैं, तो मुझे लगा कि इनको अगर फ्रीडम दिया जाए इनके हिसाब से गाने के लिए छोड़ दिया जाए तो शायद मेरा ये गाना और बेहतर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी कारण मैंने इनको बोला कि आप अपने फ्रीडम से गाइए। ओके जैसे कि मैम ही क्यों आपने चूज़ी, दूसरे रीज़न इज देयर, जो अपना गाने का जो पैटर्न है नॉट एग्जैक्टली इस तरह का, बट उसी ट्रैक पे मतलब उसी ढंग का ट्रैक पे ऑलरेडी बहुत सारे वो हिट गाने दे चुके हैं, उसीलिए वी डिसाइड दैट वी गो विथ ओनली आपका। उनका नाम बहुत ज़्यादा टफ है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, जो आपका नाम क्या था, शालमनी, शालमनी हो सके तो मतलब अपने इस इंडस्ट्री पे कुछ ऐसा नाम रखे जो बहुत इजीली मतलब बिल्कुल भी नहीं सर, जो है वैसा ही रहेगा। शालमनी मतलब बहुत अच्छा, भी तो आपने सुना ही होंगे, अभी ऑलरेडी टेक हो चुका है, बहुत बहुत अच्छा गया टेक। तो आपने जब अभी सुना जो रिकॉर्डिंग के समय आपने सुना तो कैसा लगा आपका, व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन दैट? अभी आप रिकॉर्डिंग करते, बस मुझे लगा कि अभी अपना तो बाकी जो है फिल्म रिलीज करते हुए मतलब गाने को जब रिलीज करेंगे अभी हम अपने को पब्लिसिटी चाहिए, जहाँ पे आप सबका सपोर्ट चाहिए, अपना तो हम लोग बना रहे हैं, अभी बनाने के बाद मेन चीज़ होता है ना, कोई भी फिल्म हो गाना हो कुछ भी हो अपने इस लाइन पे जितना ज़्यादा हम लोग पब्लिसिटी करेंगे उसी के ऊपर मार्केट पे वो चीज़ आएगा। कितने सॉन्ग गाने वाले मैम ने जैसे आज एक गाया है तो कितने सॉन्ग? ना उनके एक ही गाने हैं, बाकी दूसरा गाना जुबिन गा रहे हैं, जुबिन का टाइटल क्या था उसका, नोट्रियल, जुबिन नोट्रियल कल रिकॉर्ड करेंगे, और एक गाना शायद मालिया सबाब वो गा चुके हैं ऑलरेडी, वो रेडी हो चुका है ऑलरेडी, शूटिंग तो आपको मालूम है ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, आज चल रहा है ऑलमोस्ट लास्ट जो डांस, यही गाना बाकी था, बाकी पैचअप कुछ रह जाएगा एक दो दिन के लिए, तो अगस्त तक डेफिनेटली आपको ये मूवी हॉल पे मिल जाएगी। तो कोशिश करेंगे उससे पहले